हमीरपुर जिला परिषद की नई चेयरमैन बबली देवी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर जिला परिषद के 22 चेयरमैन नरेश कुमार दर्जी के अलावा सभी जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। जिला परिषद के सदस्यों के साथ नव नियुक्त चेयरमैन बबली देवी ने पहली बैठक कर आगामी दिनों के लिए रूपरेखा भी तैयार की है। साथ ही पहली बैठक में पूरे जिला भर के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए योजना तैयार की गई। जिला परिषद चेयरमैन बबली देवी ने बताया कि आज पहली जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ बात करके आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। आज जो नए जिला परिषद सदस्य बने हैं उनके बारे में आज मीटिंग थी, उनसे आज मिलना जुलना हुआ और उन्होंने अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उनके बारे में मीटिंग में उन्होंने हमारे समक्ष रखा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन समस्याओं को पूरा करने की कोशिश कर सकें। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने बताया कि सभी चुने हुए जिला परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की गई है और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के सभी 18 वार्डों में विकास करवाने के लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिवों के साथ भी जल्द बैठक बुलाकर निर्देश दिए जाएंगे कि जिला परिषद सदस्यों को पूरा मान सम्मान दिया जाए। तो हमारे जितने भी चुने हुए जिला परिषद के मेंबर थे, हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम जो भी है सभी जो जितने वार्डों से 18 वार्डों से चुन के जो नुमाइंदे आए हुए हैं हम सब मिलके चुन के जो काम करेंगे और जितनी भी लोगों की समस्या है उनका समाधान करेंगे और अपने एक हर वार्ड से जो है जैसे भी कोई मेंबर होता है उसको साथ में लेके पांच पांच सदस्यों की कार्यकारिणी की एक कार्यकारिणी बनाएंगे और हर क्षेत्र में जहां जहां लोगों को समस्या होती है, जैसे हमारा जिला परिषद 5 नंबर वार्ड का है तो उसके साथ वहां कोई समस्या आ रही है तो पांच जो कमेटी बनाई हुई है वो वहां उसके क्षेत्र में जाएंगे और उसका हल करवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें लोगों से ये सुनने को मिलता था कि जिला परिषद जो हैं वो दोबारा चुन के नहीं आते और ना ही पूछताछ करते हैं, तो हमारा लोगों से अब ये सभी लोगों का आग्रह रहेगा कि इन लोगों को कभी भी इस बारे में शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा कि जिला परिषद जो बने हुए हैं वो हमारे पास ना ही आए और ना ही हमारा उन्होंने काम करवाया। अगर पंचायत प्रधान इस बीच को उनके लोगों का काम नहीं करवाता है तो जिला परिषद का एक दायित्व है कि उनसे वो काम करवाए और जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं उनकी मीट बैठ के बुलाई जा रही है तुरंत और उनको आदेश होगा जहां जहां जिला परिषद का मेंबर आएगा उसका मान सम्मान होना चाहिए और होगा और जहां जहां जिला परिषद का जो पैसा लगता है पंचायत के बीच में उसको जहां पे जो जिला परिषद के मेंबर की जो पटका जो वहां पे लगाई जाएगी या सेक्रेटरी को जो हमारे पंचायतों के आदेश होगा। और इस बीच जो हम सब लोग मिलजुल के जो है सहमत हैं और हम कभी भी एक दूसरे में जितने भी 18 मेंबर्स हैं अपने वो मतभेद नहीं रखेंगे और जिसको भी जहां भी कोई समस्या आती है सब मिलजुल कर जो उसका सावधान करेंगे जो है वो समस्त अपने हमारे बहन अध्यक्ष महोदय बबली जी, हमारे बड़े भाई अंग्रेज दर्जी जी, उपाध्यक्ष जी, बस मस्त में हमारे जितने भी भाई बहन चुन के यहाँ पर आए हैं 18 के 18 हमारे सदस्य, मैंने इन सबका धन्यवाद किया है। जहाँ तक 15 वर्षों की बात है ये इसका सारा श्रेय मैं भोर क्षेत्र की जनता को देता हूँ क्योंकि मेरा माई बाप मेरा गॉड फादर भोर क्षेत्र की जनता है। मैं जब भी जिस भी वार्ड में गया वहाँ की जनता ने मुझे मायूस नहीं किया व मुझे क्षेत्र की सेवा करने का भरपूर मौका जो है भोर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दिया है। पहली बार मैं डीसी सदस्य बना था लुद्र महादेव व टिकरी नासा पंचायत से, दूसरी बार मैं भारी वार्ड में गया लगमन भी व बाणवी में, वहां से भी लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। उसके बाद जिला परिषद का जो मेरा चुनाव था वो भोरंज वार्ड नंबर 10 से था, वहां भी जनता ने मुझे आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है जितवाया व भारी समर्थन दिया। वहीं इस बार फिर आपने देखा है कि मुझे समीरपुर पहले जो वार्ड हुआ करता था थिड नाम से था, वहां भी जनता ने 3514 वोटों की जीत जो है मुझे दर्ज करवाई है। मैं इसका श्रेय भोरंज क्षेत्र की जनता व समीरपुर वार्ड व थिड़ की जनता को देता हूं व उस जनता के लिए मुझे जिस भी हद तक जो है वो कार्यों के लिए टकराना पड़ेगा मैं टकराऊंगा। मैंने आज भी यहां बैठक में बात रखी है अपने सम्मानीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समक्ष कि हमारा अबा देवी माता मंदिर है, अबा देवी में वहां पर जो है वो शौचालय माताओं बहनों के लिए शौचालय नहीं है,
तो मुझे यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पूरा भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही वहां पर जो है वो शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा व हमारी समस्त नवनियुक्त जो जितनी भी टीम है जिला परिषद की मौका पर जाएगी, वहां पर डीसी साहब को लेकर जो है वहां पर जाया जाएगा व विभाग के जो भी लोग होंगे उनको मौका पर पहुंचाकर जो है सर्वप्रथम वहां पर शौचालय बनाया जाएगा व अवा देवी में जो हमारा बाईपास है ये 1.5 वर्ष से वो गिरा पड़ा है, वहां पर भीड़ भड़का रहता है, जाम लगता है 2-2.5 घंटे अवा देवी बाजार में। तो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही 21 दिन के अंतर्गत जो है वो वहां पर मौका देकर उस डंगे को उस बाईपास को ठीक करवाने का जो भरपूर प्रयास किया जाएगा ताकि जनता को वहां पर सुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं मेरे क्षेत्र में देखने में ये आया है कि मेरे क्षेत्र की कम से कम 10-1 पंचायतें ऐसी हैं जिनका जो है वो अलग अलग क्षेत्र रखा हुआ है, कुछ कामों के लिए टौणी देवी जाना पड़ता है करवाने के लिए, कुछ के लिए भोरन जाना पड़ता है। तो आगे हम ये भी डीसी महोदय से चाहेंगे कि मेरे जो लोग हैं मेरी पंचायतों के जो लोग हैं उन लोगों का जो है स्थान यदि ब्लॉक एक जगह है तो उनका ब्लॉक का जो सारा कार्य है तहसील का कार्य जो है वो भोरने में ही हो, क्योंकि जनता को वहां पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है बरसों से, क्योंकि आधा कार्य उनका यदि मान लो को या फिर डेप्ट करेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन वा देवी चौकी में होगी, वा देवी चौकी से जो बंदा आएगा फिर वो हमारे भोरने में आएगा वहां पर वो उसको बनवाएगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जो है जनता वहां पर जूझ रही है। तो हमारा प्राथमिकता के आधार पर यह रहेगा कि उन पंचायतों का स्थान जो है वो जन सुविधा में लोगों की समस्या को जो है वो एक स्थान पर करवाया जाए। साथ में एनएच बनाने का कार्य जो है वहां पर चला हुआ है मेरे वार्ड में, उसके लिए भी वहां पर भूमि चयन किया गया है। तो मेरा वो भी प्राथमिकता के आधार पर है कि जनता के अनुरूप जो है वो एनएच बनाया जाएगा, उसमें जो है जो जनता चाहेगी वही होगा, उस कार्य को भी हम रिव्यू करेंगे अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आशीर्वाद से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।